देंगे। देखो ये 3R है, एक्सरसाइज 3R है, ये भी वही है जो आपको समझा चुके हैं। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो क्या होगा, है ना, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा हो तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा, मेथड बेटा वही है। अंतर कहाँ आता है, थोड़ा सा मेथड में फर्क आ जाता है हल्का सा। जैसे आपको ए साइन थीटा प्लस हो या माइनस हो, बी कॉस थीटा बराबर सी के रूप में कोई समीकरण दिया है, ए साइन थीटा प्लस हो माइनस हो बी कॉस थीटा बराबर सी के रूप में क्या दिया है, कोई समीकरण आपको दिया हो, तो क्या मेथड है उसका, अंडर रूट में रफ्तार कर ली करो चाहे या सी में कर ली करो, अंडर रूट में साइन थीटा का जो गुणांक हो उसका स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का जो गुणांक हो उसका स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर को जोड़ के उसमें क्या करेंगे अपन, अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक, अब दोनों पक्षों में आपने भाग कर दिया यहाँ पर, तो जे के रूप में मिलेगा अपन को साइन अल्फा के रूप में, जे के रूप में मिलेगा आपको कॉस अल्फा के रूप में। ठीक, अब देख रहा हूँ फार्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका फार्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का। अपन ने जे कॉस में लिया है तो बराबर के उस साइड वाला जो पक्ष है वो भी अपन किस में लेंगे, कॉस में लेंगे, साइन में निकलता तो हम जे किस में लेते, फिर साइन में लेते। मेथड समझ में आ रहा है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, या ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर सी, इस टाइप को कोई भी समीकरण आपको मिल रहा है तो अपन अंडर रूट में क्या करेंगे, साइन थीटा का गुणांक का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा के गुणांक का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ के अंडर रूट लगा के दोनों पक्षों में क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, देखो एक सवाल समझाते हैं, सवाल से ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इससे स्टार्टिंग वाले सवाल आपको पहले बता चुके हैं और इसी मेथड से फिर आप कर भी सकते हैं। और cos थीटा माइनस की क्या लिखा हुआ है, sin थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 दिया हुआ है। अब cos थीटा का गुणांक कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। sin थीटा का गुणांक कितना है, 1, तो ये भी क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितने हो गए, ये 2, मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 2 से हमें क्या करना है, ये रूट 2 हो गया ना, रूट 2 हो गया ये, तो रूट 2 से हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों में भाग कर दिया। ठीक, रूट 2 से क्या कर दिया, दोनों पक्षों में हमने भाग कर दिया। ठीक, अब भाग कर दिया तो cos थीटा लिख दिया, cos में 1 अपॉन रूट 2 किसकी वैल्यू है, 45 की, 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4। sin थीटा लिख दिया, 1 अपॉन रूट 2 sin में किसकी वैल्यू है, sin पाई बाई 4 की, ये क्या हो गया, रूट दो कितना हो गया, 1 अपॉन 2 हो गया जी। cos a cos b माइनस sin a sin b बराबर क्या है, 1/2 है, तो cos a प्लस बी का फार्मूला हो गया जी, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस बी, 1/2 cos में किसकी वैल्यू है, 60 की, तो क्या लिख दिया अपन ने, cos पाई बाई 3 लिख दिया रेडियन के रूप में। cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो ये अपन ने क्या लगा दिया, इसमें फार्मूला लगा दिया, पाई बाई 4 को हमने क्या करा, उस तरफ पक्षांतर कर दिया, प्लस का था तो काय का हो गया, ये माइनस का हो गया। प्लस चिन्ह लेंगे अपन इधर, तो पहले क्या लिया अपन ने, प्लस चिन्ह, पाई बाई 3 माइनस के पाई बाई 4, 3 और 4 में ला सक गया है 12, तो यहाँ 12 ला से ले लिया, 4 पाई माइनस के 3 पाई, क्या बचेगा, ये पाई बाई 12 बच गया, माइनस का चिन्ह लाऊंगे तो क्या बचेगा,
टू एन पाई माइनस पाई बाई थ्री माइनस के पाई बाई फोर। इसमें भी बार अपन ने क्या लिया, एलसीएम ले लिया, फोर पाई माइनस के सेवन पाई, तो माइनस के सेवन पाई बाई ट्वेल्व, जिसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये सवाल उतार लीजिए, इसी पैटर्न के सब सवाल है, कोई भी सवाल आता है आपको जी मेथड आपको अप्लाई करना है। इस तरीके के सवाल और लगाइए, एक आध सवाल और आपको बता देते हैं। देखिए सवाल नंबर 11, 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, दिया हुआ ना, वही सेम मेथड है। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, cos थीटा का गुणांक कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, sin थीटा का गुणांक कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 64 और 36 कितने हो गए 100, 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10, तो 10 का क्या करेंगे हम दोनों पक्षों में भाग कर देंगे, तो यहाँ भी भाग कर दिया और यहाँ पर भी भाग कर दिया, दो से काटोगे दो तिया छः, दो पंजे दस, दो चौको आठ, दो पंजे दस, अब 3/5 कॉस में किसकी वैल्यू दिख रही है, 3/5 कॉस में किसकी वैल्यू है, इसको पढ़ते हैं 53° 8' 53° 8' और 1° 60' के बराबर होती है, तो 3/5 के स्थान पर क्या लिख दिया हमने, कॉस 53° 8' लिख दिया, 4/5 किसकी वैल्यू है, साइन 53° 8', तो इसके क्या लिख दिया हमने, साइन 53° 8' लिख दिया, बराबर क्या लिख दिया 9/10, कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन, किसकी वैल्यू है ये, कॉस ए माइनस बी की, तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया, 9/10 किसकी वैल्यू है, कॉस 25° 50' की, यहाँ क्या लिख दिया, कॉस 25° 50' लिख दिया, कॉस थीटा बराबर क्या दिख रहा है, कॉस अल्फा दिख रहा है, दिख रहा है क्या, क्या फार्मूला होता है, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही होता है ना फार्मूला। अब अपन ने 53° 8' का वहां क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया, तो ये काय का हो गया, ये प्लस का हो, सबसे पहले हमने चिन्ह काय का लेंगे, प्लस का लेंगे, जो अपन लेते चले आ रहे हैं, प्लस का चिन्ह लेंगे पहले, 25° 50' 53° 8' जुड़ के कितने हो गए, 78° 58', जिसका एक मान हो गया। दूसरा चिन्ह काय का लेंगे हम, ये माइनस का, कौन सा चिन्ह लेंगे, माइनस का, पहले प्लस का लिया, काय का लेंगे ये माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, माइनस के 25° 50' प्लस 53° 8'। इसको हो सकता है कि आपको घटाने में दिक्कत आए, इसलिए हमने साइड से आपको बता रखा है, 53° 8' में से 25° 50' को घटाना है ना। अब 8' में से 50' तो घट नहीं सकते, घट सकते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, ये 53° है, 53° में से 1° को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, 1° को हम क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे, 1° बराबर क्या होता है, 60' के होता है, तो ये 53° है, ये कितने हो गए, 52° हो गया, 1° को हमने यहाँ शिफ्ट किया, 1° का मतलब 60' को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, 60' और 8' कितने हो गए, ये 68' हो गए नहीं हो गए, ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, इसलिए हमने 1° को हमने यहाँ पर शिफ्ट किया, 1° का मतलब होता है 60', जब 60' इसमें जुड़ जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 68', और ये 53° था कितने हो गए, ये 52° हो गया, और 52° में से 25° घटेगा और 68' में से 50' घटेगा तो कितना बचेगा, 27° 18' बचेगा ना, अपन ने यहाँ क्या लिख दिया, 27' 27° 18', इसका क्या हो गया आंसर। ये सवाल इसमें थोड़ा सा टिपिकल सा था, हल्का सा, इसलिए ये आपको बता दिया गया, अब इस सवाल को उतार लीजिए, अब कोई सवाल में दिक्कत नहीं आना चाहिए, और आएगी तो आप पूछते रहिए, अगली एक्सरसाइज चालू करेंगे 3S कल से चालू करते हैं, ठीक है, उतार लीजिए।